सरायकेला जिले की राय सिंदरी पहाड़ी से खूंटी पुलिस एवं सरायकेला पुलिस के संयुक्त प्रयास से कुख्यात जीत राय मुंडा की गिरफ्तारी सरायकेला पुलिस ने की है। आपको बता दें कि सरायकेला पुलिस लगातार नक्सली अभियान चला रही है और इस बीच स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद ही सरायकेला पुलिस ने नक्सलियों के बहुत बड़े अभियान की कमर तोड़ दी है। उधर नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खतरनाक हथियारों के साथ 500 विस्फोटक और 3 राइफल, 1 गन, 1 पिस्तौल, 100 पीस जिंदा कारतूस को बरामद कर मिसाल पेश की है। सरायकेला खरसावा जिले के SP प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहते हैं कि सरायकेला जिले के कुचाई थाना अंतर्गत रायसिंदरी पहाड़ पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी अनल दा, असीम मंडल, अतुल, अमित मुंडा, महाराज प्रमाणिक, दस्ता पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने एवं हथियार लूटने के उद्देश्य से भारी मात्रा में हथियार, गोली, विस्फोटक एवं ID छिपाकर रखे हुए थे एवं तमाम रास्तों में ID बम लगाया जा चुका था। सूचना मिलते ही सरायकेला खरसावा पुलिस ने सरायकेला पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी एवं अभियान SP पुरुषोत्तम कुमार के साथ CRPF कमांडेंट बिरसा उराव, जिला सेट बल और झारखंड जगुआर की टीम बिना किसी जवान को खोए तमाम विस्फोटकों को अपने कब्जे में ले लिया। मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसे खूंटी एवं रांची पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया है। सरायकेला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के अभियान से लगातार नक्सलियों का मनोबल गिरता जा रहा है एवं ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। देखिए, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली दस्ते से कुछ नक्सली जो आसपास के इलाकों में घूमते हैं, उनकी सूचना मिली थी, तो पुलिस ने नक्सलियों को पकड़ा। 2 नक्सली पकड़े गए थे और जो नक्सली यहां घूमते हैं आमतौर पर वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। सरायकेला खरसावा के अलावा ये रांची का तमाड़ क्षेत्र, खासकर खूंटी का क्षेत्र, चाईबासा का क्षेत्र। तो उसी क्रम में खूंटी जिला में 2 नक्सली, इसमें 5 लाख का इनामी नक्सली बीता जीताए मुंडा, वो भी गिरफ्तार हुआ। तो जब उससे पूछताछ हुई तो उसने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि कई जगहों पर उन्होंने हथियार का, गोले बारूद का डंप रखा हुआ है और कई जगह उन्होंने बम बिगाड़े हुए हैं। तो इस क्रम में पुलिस की टीम बनाई गई, जिसमें CRPF और JJ जिला बल का एक संयुक्त टीम बनाई गई। इसमें खूंटी, रांची और सरायकेला खरसावा जिले की कुल मिलाकर संयुक्त टीमें बना के सरायकेला जिला की तरफ से स्पेशली एडिशनल SP साहब के नेतृत्व में खरसावा थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल CRPF और JJ थाई साथ में सब लोग गए और इन्होंने हमारे यहां रायसिंदरी हिल में एक जगह डंप मिला, जिसमें से ये 4 हथियार बरामद हुए हैं, बड़े हथियार, एक छोटा हथियार बरामद हुआ है और लगभग 90 गोलियां बरामद हुई हैं। उसके बाद से फिर नीचे उतर के मुरमझंगा में ID भी बरामद हुआ और यहां भी डंप में लगभग 65 ID बरामद हुए 4-4 किलो के, जो कि एक बहुत ही बड़ी रिकवरी है और एक विस्फोटक क्षमता जिससे नक्सलियों को पड़ी आती है उसको अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद मुरमझंगा में एक स्थान पे सड़क में इन्होंने 10 आईडी गार्ड रखे थे, 7 आईडी गार्ड रखे थे, 10-10 किलो, तो बहुत बड़े आईडी होते हैं। तो इन सभी को इन सीटू डिस्ट्रॉय किया गया। उसके अलावा इसमें कॉर्टेक्स वायर और गोलियां बता चुका हूं आपको, 4 बड़े हथियार, इसमें एक 303 है, 315 है, एक ये 12 बोल की DBBL गन है और एक डबल बोर्ड का 0.315 की भी बड़े हथियार हैं 4, एक पिस्टल है और बहुत बड़ी रिकवरी हुई है। इससे नक्सलियों को बहुत झटका लगेगा और उनकी ताकत काफी कम होगी। इससे जैसा आपको पता है कि इस क्षेत्र में अनल का गिरोह, महाराज प्रमाणिक का गिरोह और अतुल, बहुत सारे नक्सली, इनामी नक्सली हैं, उन्हीं का दस्ता है जो मिलजुल कर अपना काम करता है। तो ये लोग उसी दस्ते में थे, वहां से निकल के बाहर की तरफ निकले थे और पुलिस ने उनको पकड़ा।